बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। भाइयों आज दिखा रहे हैं आपको स्पेशल चीज़। तो स्पेशल चीज़ को मैंने हाथ भी लगाया, प्यार भी करा है। तो मैंने बोला चलो यार, वो असल में क्या हुआ, स्टार्टिंग के अंदर भूल गया था कुछ बोलना, तो क्लिप को अब जोड़ना ही पड़ेगा अपने साथ। तो हमने शेर को, शेर, चीता, मोर, दुनिया बर्ड्स भी हैं, एनिमल्स भी हैं, हिरन भी हैं, हर चीज़ है। तो शेर को हमने उठाया, आपको उसका भी शौक दिखाते हैं, तब करते हैं घंटी में। अच्छा सलमान भाई, आप कौन सा शौक दिखाने के लिए लेके जा रहे हैं? नई जगह आ गई है तो कोई माशाल्लाह से भाई, आप तो आपको सरप्राइज था, आपको बताया नहीं था। हाँ। आप शेरों की जगह पे लिए हैं। अरे बेहतरीन हो गया भाई, जगह शेरों की जगह पे आ गए, बेहतरीन हो गया भाई। ये सारे मोर बैठे हैं भाई, ये चेक करें माशाल्लाह, सारे ये वो मोर वगैरह बैठे हैं ये, और ये सारे अभी ये देखें खड़ा हुआ है इसका जो है वो, ये देखें हुसन चेक करें मोर के अंदर, हुसन देखें सिर्फ आप लोग, हुसन के अंदर है भाई माशाल्लाह। ये देखें ये चलता हुआ आ रहा है, करीब है ये, थोड़ा सही से देखेगा आप लोगों को, सिर्फ कलर चेक करें मोरों को, ये देखें भाई, ये देखें भाई माशाल्लाह माशाल्लाह। अच्छा ये जो ये सारे मोरों वाला सेटअप है भाई, मेरे ख्याल से ब्रीडिंग सेटअप बनाया हुआ है मोरों का। ये देखें इसमें जोड़ा छोड़ा हुआ पूरा, ये देखें भाई पूरा जोड़ा है, ये चेक कर सकते हैं भाई पूरा जोड़ा है इसमें, सामने एक है एक नीचे है, पूरे पूरे जोड़े छोड़े हैं। अच्छा यहाँ पर जो है भाई अपने लव वाली चीज़ें भी हैं, आपको पता है हमारे को भाई, हमारे चैनल का नाम सही है ना भाई, बर्ड्स भी हैं तो बर्ड्स भी आप लोगों को दिखाएंगे। अच्छा ये मोर के बच्चे, ये देखें भाई माशा भाई, ये सारे मोर के बच्चे। अच्छा ये चेक कर सकते हैं भाई, ये सारे मोर के जो बच्चे एक तरफ छोड़े हुए हैं, सारे बड़े एक तरफ, जैसे ब्रीडर जो पेयर हैं वो एक तरफ छोड़े हुए हैं और बच्चे जो है वो तकरीबन एक तरफ छोड़े हुए हैं, बेहतरीन हो गया भाई बच्चों का सेटअप। ओए होए माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह, मोर चेक करें, वाइट मोर आई है भाई, वाइट मोर का शौक दिखाते हैं आपको, आपको भाई सब ब्रीडर पेयर हैं, हर किस्म के मोर की क्वालिटी आपको बताएंगे, बेहतरीन हो गया भाई, हमें भी शौक है तो हम भी रखते हैं। अच्छा ये भी जो है तकरीबन कोई मोर की नस्ल है या पता नहीं मोर की नस्ल है कोई मेरे हिसाब से तो, लेकिन ये छोटे हैं अभी, बच्चों का पेयर लग रहा है मेरे ख्याल से। ये देखें माशाल्लाह एक और बड़ा मोर है भाई, ये भी माशाल्लाह भाई माशाल्लाह। अच्छा पिंजरे के अंदर है भाई, थोड़ा सा जो है अगर ब्लर हो रही हो तो उसके लिए माजरत चाहूँगा, क्योंकि बार बार करीब कर रहा हूँ दूर कर रहा हूँ। ओए होए माशाल्लाह माशाल्लाह भाई, सिर्फ ये चेक करें फ्रंट भी खड़ा हुआ है मोर, और पूरा वाइट है, पूरा वाइट है। मैं बैठ गया नीचे आपको दिखाने के लिए, ये अफ्रीकन है, अफ्रीकन है माशाल्लाह। देखो माशाल्लाह, ये देखें अगर थोड़ा सा पीछे की तरफ जा सकते हो मैं आपको दिखाऊं, ये देखें पीछे इसके साथ जो है अच्छा क्रॉस ब्रीडिंग करवा रहे हैं मेरे ख्याल से ये लोग, क्योंकि पीछे जो है वो दूसरा लगाया हुआ है, यहाँ पर जो वो मेल जो है वाइट है या मेल फीमेल वाइट है, कुछ ऐसा सिस्टम लगाया हुआ है यहाँ पे। अच्छा अभी इनसे मैं पूछूंगा अभी कि भाई मोर के अंडे वंडों का सीन आया सीज़न या नहीं आया अभी तक, तो वो भी इंशाल्लाह आपको पूछ के बताएंगे, समझ गए आप, तो आपको सारी चीज़ों की अपडेट देंगे। मैंने कहा शौक दिखाने आए हैं तो फिर शौक हर चीज़ का दिखाना चाहिए आपको, जब पहना शौकीन है तो फिर दिखाएं तो हम कितने बड़े शौकीन हैं भाई, और हम किस किस चीज़ का शौक़ रखते हैं आप लोगों को तो पता लगे भाई। ये चेक करें माशाल्लाह। अच्छा अब जो है वो पीछे अगर मैं आपको दिखाऊं तो पीछे परिंदों की आवाज़ें आ रही होंगी मेरे परिंदा लवर्स को, जो हमारे परिंदा लवर ने वो आवाज़ सुन के पहचान लेते कौन सा परिंदा आवाज़ निकाल रहा है, मतलब हरा निकाल रहा है, पहाड़ी निकाल रहा है, कॉकटेल की आवाज़ है, गिरे की आवाज़ है, वो आवाज़ों से पहचानते कौन सा तोता है। तो कोशिश करेंगे इनसे इजाज़त लेंगे, तोतों का सेटअप भी आप लोगों को दिखाएं थोड़ा सा। अच्छा ये मोर दिख रहा है भाई, ये कोई गोल्डन मोर दिख रहा है मुझे यहाँ पे, पीछे कर दे थोड़ा सा सही हो क्लियर हो, क्योंकि पता है पिंजरे के अंदर है तो पिंजरे के अंदर जो है वो जूम इन, ये देखें अब दिख रहा है आप लोगों को, चेक करें माशाल्लाह गोल्डन के साथ जो है उन्होंने कलरफुल छोड़ा हुआ है, क्रॉस ब्रीडिंग चल रही है, एक ब्लैक मोर छोड़ा हुआ मेरे ख्याल से जिसकी पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा डिमांड है। और अभी जो है उनसे पूछते हैं कि भाई अंडों का कोई सीज़न वीज़न शुरू हुआ है नहीं हुआ, अंडे आना शुरू हुए, क्योंकि मोर के जो थे यहाँ पे चार छोड़े हैं इकट्ठे, मतलब कोई क्या कोई सीन होता होगा भाई तीन चार इकट्ठे छोड़ने का, मुझे तो मोरों का इतना ज़्यादा आइडिया नहीं है, लेकिन आप लोग जो है वो शौक़ पता है भाई, जब हम एक जगह जाते हैं तो शौक़ भी दिखाते हैं आप लोगों को,
अच्छा अब जो चलते हैं परिंदों की तरफ, और परिंदों की तरफ चल के आपको दिखाते हैं परिंदों में क्या क्या चीज़ें रखी हुई हैं। पहले उनसे परमिशन लेते हैं, उसके बाद आपको दिखाते हैं। अच्छा भाई, यह मैंने आपको दिखाया हर चीज़ का शौक कराएंगे। यहाँ पर जो है पहुँच चुके हैं सब कुछ, मुझे एंटिक चीज़ दिखी तो एंटिक चीज़ पहले आपको करीब से दिखाते हैं, फिर वकास भाई से जो उसका नाम वगैरह पूछेंगे, क्योंकि भाई ऐसी ऐसी चीज़ें जो मैंने खुद फर्स्ट टाइम देखी है, मैं खुद फर्स्ट टाइम देख रहा हूँ, या तो पाकिस्तान में आपको चिड़ियाघर में देखने को मिलती है या किसी सेटअप पर देखने को मिलती है। तो ये सेटअप पर मैं आया हूँ, मैंने ला आपको दिखाएं। वकास भाई ये क्या चीज़ है, इसका नाम क्या है, पहले तो नाम बताएं भाई। इसको ना इमो कहते हैं। इमो? हाँ जी। तो ये बाहर की ब्रीड है? ये बाहर की होती है, काफ़ी लोग समझते हैं कि ये शितर मुर्गे। अच्छा, मैं पहले आप यकीन करें, मैं भी ये समझा था कि शितर मुर्गे। तो मैं दोस्तों को बता दूं कि ये शितर मुर्ग नहीं है, ठीक है, इमो है, क्योंकि शितर मुर्ग के पर होते हैं। हाँ। और इसके बाल हैं। इसके बाल हैं? हाँ जी, इसके बाल। इसको अगर ऊपर से दिखाएं काटेगा तो नहीं? नहीं नहीं, कुछ भी नहीं करेगा भाई। भाई अगर मैं आपको यहाँ से ऊपर से दिखा सकूँ, ये देखें, ये इमो है। इमो इसे कहते हैं, ठीक है। इमो कहते हैं इसे। और शितर मुर्ग में इसमें बहुत फर्क है, ठीक है। ठीक हो गया। ये वैसे कीवी की यानी कि जैसे होता है जी, उसी की फैमिली में से। उसी की फैमिली में से, मतलब ऑस्ट्रिच भी इसे यानी कि इसकी फैमिली से। ऑस्ट्रिच भी इसी की फैमिली से हो गया, ठीक हो गया। अच्छा, ये ब्रीडर है आपका? हाँ, ये ब्रीडर है, और ये बहुत ज़्यादा खतरनाक भी होता है। अच्छा, माशाल्लाह। इस वजह से जब ये यानी कि इंसान को नीचे गिरा लेता है, तब ऊपर उसके ना बबलिंग करता है, ठीक है, टांगे वगैरह मार के, सीधा टांगे मार के टांगों से नुकसान करता होता है बंदों का। ठीक हो गया भाई। हाँ जी, इसकी यानी कि जो टांग मारता है वो बहुत बुरी मारता, बहुत बुरी मारता है भाई। वो खतरनाक जानवर भी है यहाँ पर कुछ, लेकिन शौक है तो शौक के लिए तो भाई बंदा जब शेर पाले तो शेर से खतरनाक तो मेरी नज़र में कोई भी चीज़ नहीं है। ठीक हो गया, अब आगे चलते हैं, आगे भी दिखाते हैं और आगे कौन कौन सी चीज़ें दिखा रहे हैं भाई। दिखाते हैं, ठीक है, पीजन की तरफ जा रहे हैं। हाँ जी, इधर से चलते हैं हम लोग। इधर से चलते हैं भाई। कैक्टस दिखा दें, हमने ये सारे बाहर से इंपोर्ट करवाए हैं। ये बाहर से सारे इंपोर्ट हुए हैं, ये कहलाते हैं। मुझे इसके बारे में थोड़ा गाइड करें, मुझे इनके बारे में कोई नॉलेज नहीं है इनके। अच्छा वकास भाई, मुझे ये बता रहे थे ये आपने इंपोर्ट करवाए हैं, तो ये क्या कहलाते हैं, मुझे तो इसके बारे में बिल्कुल भी आइडिया नहीं है। ये भाई कैक्टस होता है। कैक्टस? कैक्टस कहते हैं इसमें, हमने यानी कि ग्राफ्ट किए हुए। सही है। ग्राफ्टिंग का मतलब ये होता है कि एक के ऊपर दूसरा लगाना, एक के ऊपर दूसरा लगाना। ये देख लें, ठीक है, इसमें देखें, ये और चीज़ है। सही है, ये नीचे वाला और चीज़ है। बेहतरीन हो गया भाई। कलम करके दूसरा लगाना ऊपर, ठीक है। या खुद करते हैं? हाँ जी, खुद क्राफ्टिंग, खुद करते हैं, क्राफ्टिंग का भी शौक है। हाँ जी, बेहतरीन हो गया भाई। खुद ग्राफ्ट किए हुए हैं, बेहतरीन हो गया। बहुत सारे खूबसूरत पड़े हुए हैं। उससे आगे मैं आपको दिखाता हूँ अभी, मॉन्की टेल जिसे कहते हैं। मॉन्की टेल? हाँ जी, ये देखें, ये भी ग्राफ्ट हुआ हुआ है। अरे बेहतरीन है, बिल्कुल ऐसे ही लगता है जैसे बंदर की पूंछ होती है। बंदर की पूंछ ही लग रही है भाई, जिस हिसाब से टेढ़ी मेढ़ी होती है ना बंदर की पूंछ। इन सबसे जो खूबसूरत जो पौधा है वो भी हम लोग आपको दिखाते हैं अभी, ठीक है भाई। वहाँ चलते हैं, उधर चलते हैं, उधर आपको। अच्छा सरफराज भाई, ये कौन सा कहलाता है, ये जरा दिखाएंगे थोड़ा सा। इसे कहते हैं यार, इसका नेम भी अच्छा था, इसका नेम भूल गया मैं, इसे यानी कि गोल ऐसे करके कुछ कहते हैं, ठीक है, लेकिन ये बहुत खूबसूरत है। हाँ, खूबसूरती है, खूबसूरती सिर्फ ऊपर वाले यानी कि ये जो है ना ऊपर ऊपर वाले लोगों की है, नीचे तो सिर्फ समझ लेंगे। हाँ जी, एक तरीके से आपने क्राफ्टिंग करी हुई तो वो दिखाया। चलो आगे चलते हैं, आगे भी दिखाता हूँ क्या क्या चीज़ें। आपका नेम क्या? अच्छा, नेम बताऊँगी। अच्छा, यहाँ पर जैसे देखते हैं अभी ये क्राफ्टिंग यहाँ पर जो सिलसिला जारी है, तो वकास भाई यहाँ पे अभी ये क्राफ्टिंग होगी, कम्प्लीट नहीं हुई ना ये? अरसलान भाई, ये आप देख सकते हैं, नज़दीक लाएँ ज़रा कैमरा, ये देखें, ये दिखाएं फ्रेंड्स को, ये देखें धागे बांधे हुए हमने, ठीक है, तो ये भी यानी कि इसके साथ ये जुड़ जाएगा। सही है, ठीक है, ये तकरीबन हफ्ते बाद पता चल जाता होता है कि ये जुड़ गया है, जुड़ गया है, नहीं जुड़ा। हाँ जी, ये फिर धागे काट देते हैं हम लोग, ठीक है, और ये फिर इसकी जो एनर्जी होती है जो यानी कि ये नीचे से पौधा जमीन से खाता है जी, वो इसको देता है, फिर ये बढ़ता होता है। बेहतरीन है, बेहतरीन। आगे आ जाए, हम लोग बड़ा कैक्टस दिखाते हैं, ये देखिए, ये बड़ा कैक्टस आ गया, कम से कम 20 साल पुराना है। 20 साल पुराना है आपके पास ही? हाँ जी, ये सर के पास ही, हमारे जो ओनर है, ठीक हो गया भाई। हुआ था, और ये यानी कि उसमें नुमाइश में भी गए हुए हैं। अच्छा सर, नुमाइश में भी जा चुके हैं, एग्जीबिशन भी लगता है, उसमें भी आप लोग शौक करवाते हैं। यहाँ पर भाई कुछ देख सकते हैं, मेन चीज़ जो है व्यूवर्स को दिखाने का मतलब हमारा ये चीज़ था, ये देखें, ये हम लोग वैसे नहीं दिखाते किसी को भी, इसमें डिफरेंट कलर्स हैं, ठीक है, तो आप नज़दीक। अच्छा, से ये कलर्स खुद होते हैं या कलर्स आपने लगाए हुए हैं? ये खुद कुदरती कलर होते हैं, कुदरती। इसको एक उठा के दिखा सकते हैं मुझे? जी भाई, जी जी जरूर, कोई भी एक एंटिक कलर उठा के दिखाएं। ये देखिए भाई, माशाल्लाह। फ्रेंड्स बताइएगा कमेंट करके ये कैसा लगा आपको, ठीक है, और उसके बाद मैं एक और चीज़ दिखाता हूँ आपको, इसमें तीन कलर भी पड़े हुए हैं हमारे पास। ये तीन कलरों में कौन सा था भाई? ये पड़ा हुआ मल्टी कलर है, ये देखें, ये चेक करें, इसमें काफ़ी कलर हैं वैसे, कलर चेक करें खाली आप लोग, ठीक है। उसके बाद एक और चीज़ ऐसे लगता है जैसे जानवर कोई हो, ठीक है, ये पड़ा हुआ है, जैसे कोई छोटा जानवर नहीं होता। हाँ, स्नेल टाइप लग रहा है। हाँ जी, बेहतरीन हो गया भाई, बेहतरीन हो गया। अच्छा, तो आप लोग सेल भी करते हैं? हाँ जी जी भाई, अगर मैं इससे आपकी प्राइस, फिलहाल तो अभी सेल, फिलहाल कोई सेल वाला नहीं, अभी यानी कि शौक अपना बढ़ा रहे हैं, शौक बढ़ा रहे हैं, ठीक हो गया, ठीक हो गया भाई, ठीक हो गया। चलिए आगे की तरफ चलते हैं, और आगे अब जो है वो वीडियो थोड़ी सी बना, फीजन वगैरह की तरफ भी आपको दिखाते हैं, फीजन में क्या क्या चीज़ें हैं, बढ़ा लेगी उसकी। अच्छा भाई, यहाँ पर देखें ये बड़ा जो लॉइन है, अच्छा ये देखें भाई, यहाँ पर जो बड़ा लॉइन है ये चेक करें, माशाल्लाह, बिल्कुल इसके तो करीब नहीं जा रहे, लेकिन मैंने बोला आपको दूर से ही दिखा दें, शौक करा दें,
दीदार करवा दें आपको। ये बड़ा है, इसकी एज तकरीबन ज़्यादा है और फुल जो है वो शेर बना हुआ है तकरीबन। इसके बाल वगैरह जो ये ले करीब बुला रहे हैं भाई। गब्बर, इसका नाम गब्बर रखा हुआ। गब्बर इधर, गब्बर गब्बर भाई देखें, ये गब्बर है जो आपको भी दिखाया। अच्छा ये भी छोटे कुछ दिख रहे हैं। बस ये कौन से वाले कहलाते हैं? ये अफ्रीकन लाइनस है, फीमेल है। अफ्रीकन लाइन की फीमेल है भाई ये, ठीक हो गया भाई। ये भी देख सकते हैं फीमेल है इनके पास यहाँ पर। ये भी अभी जो है तकरीबन खड़े होने के स्टाइल में आ रही है आहिस्ता आहिस्ता। अच्छा ये सब टेम है आपकी? सब ठीक हो गया भाई, ये सब माशाल्लाह टेम है। देख रहे हैं इतना बड़ा जो है भाई केज देना पड़ता है एक शेर के लिए। जगह देख लें माशाल्लाह भाई, भाइयों ने बहुत अच्छा शौक रखा हुआ है। बाकी यहाँ पर कुछ हिरन वगैरह भी दिख रहे हैं, तो हिरन वगैरह भी आपको दिखाते हैं इसी के साथ। ये देखें ये आ गई करीब, ये देखें माशाल्लाह शौक देखें भाई का VIP। शौक देखें, शौक चेक करें भाई, शौक हो रहा है शौक। कहते हैं ना कराची वाले शौक करते हैं भाई, कराची वाले शौक कुछ नहीं करते, कराची वाले खाली जो घूमते फिरते ही रह जाते हैं। शौक असल मेरी नज़र में यहाँ हो रहा है, ठीक है। यहाँ पर देखें ये कुछ हिरन वगैरह भी दिख रहे हैं। ये देखें एक ये हिरन है, यहाँ पर जो कुछ वाइट हिरन दिख रहे हैं। वाइट हिरन भी आपको दिखा देते हैं, ये चेक करें वाइट हिरन। चलिए भाई शौक तो आपको दिखा दिया। अच्छा ये मैंने आपको दिखाया था भाई कुछ फीसेंट वगैरह भी हैं। अच्छा ये भी कोई हिरन है ना, ये डियर है मेरे ख्याल से, छोटे बच्चे हैं डियर के। दूर दूर से आपको दिखा रहा हूँ, अब जो है वो टाइम थोड़ा सा शॉर्ट हो गया है। ये देखें यहाँ पर फीसेंट वगैरह रखे हुए हैं, कुछ बच्चे हैं कोयल वगैरह के बच्चे रखे हुए हैं कुछ। ये देखें कोयल हैं सारी जो फीसेंट भी कहलाती हैं, इसमें कुछ फीसेंट मिक्स हैं। ये देखें इसमें कुछ बच्चे भी हैं, कुछ जो है वो बड़े दाने माशाल्लाह, ठीक है। चलें भाई ये देखें अब अंदर जा रहे हैं। आ जाओ कुरान भाई, आ जाओ। ये देखें भाई माशाल्लाह, आ जाओ भाई अंदर आ जाओ। ये देखें भाई लॉइन का मीटअप हो रहा है यहाँ पे, ये चेक करें माशाल्लाह। इस्तकबाल में बैठे हैं अभी सारे, ठीक हो गया। अब ये खड़े होंगे और आएंगे खेलने आएंगे अब ये। ये देखें भाई शौक चेक कर रहे हैं भाई माशाल्लाह। ये चेक करें भाई, ये चेक करें भाई, ये चेक करें फरहान भाई का शौक चेक करें भाई। शौक हो रहा है, भरपूर शौक हो रहा है। ये अन भाई क्या तासुर आते हैं तो बस। अरे बेहतरीन हो गया भाई माशाल्लाह माशाल्लाह। VIP क्या खड़े हो यार, मैं तो बैठ ही खड़े हो यार। हाँ ये भी है, नहीं शेर को थोड़ा खड़ा कर दो बैठा भाई, फार्म में की तस्वीर सारी आ जाए। कुर्सी लाया उधर से, कुर्सी ला। देखो क्या बात है, ये भी चीज है ना। तू डर नहीं तो दूसरा देख तो ना, डर तू ना डर भाई, ये कुछ नहीं बोलता। शेर दा पुत्र है, शेर दा पुत्र, शेर दा पुत्र है। माशाल्लाह ठीक हो गया VIP माशाल्लाह। थोड़ा सा पीछे करना शेर को, शेर का थोड़ा पीछे कर, इसकी थंबनेल बना रहा है शेर को। शेर का भी आज शौक पूरा हौसले से, इसको ऐसे भी कर लिया करो, ये भी कर लिया,
माशाल्लाह माशाल्लाह, जब बड़ा फार्म लूंगा तो मैं इनसे गिफ्ट ले जाऊंगा, है ना? इंशाल्लाह जरूर जरूर जरूर। तो बड़े फार्म पे तो गिफ्ट लूंगा। अभी इनका इससे भी पूछते हैं कि ये शेर क्या क्या खाता है और कितने महीने का है। ठीक, तो शेर क्या क्या खाता है? फरहान भाई, शेर जो है गोश्त खाता है, चिकन खाता है, इसको जो है क्या नाम है, चिकन और गोश्त देते हैं। ये तो अभी तकरीबन 6 माह का है, ये तकरीबन 4 से 5 किलो डाइट ले रहा है। जो बड़े शेर हैं वो 12 किलो 10 किलो। अच्छा, मुख्तलिफ शेर की जो है अपनी अपनी डाइट है, अपनी अपनी कैपेसिटी है। हाँ जी, अभी कोई जितना है इसके जितना बड़ा होता जाएगा उसकी उतनी भूख बढ़ती रहेगी, उतनी भूख बढ़ती रहेगी, उतनी जो है क्या नाम है खुराक ज़्यादा करते रहते हैं। तो ये वही वही इसको भी आई एम एक रखती है जी? इसको भी आई एम एक लगा? नहीं 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 नहीं, शेर की कोई वैक्सीनेशन नहीं है, कोई वैक्सीनेशन नहीं है, कुछ भी नहीं। तो चमड़ी के लिए कुछ भी नहीं, कुछ भी ये इसको वो आया नहीं कोई जो जानवर को लगा? नहीं नहीं नहीं, इसको कुछ भी ना, इसको कीड़ा पड़ता है ना इसको कुछ और होता है। हाँ, जख्म लग जाए इसको हम सेगावान लगाते हैं कि कीड़ा शीड़ा ना पड़े, पीठ के ऊपर आ जाए, जहाँ पर इसकी जुबान आएगी वहाँ पे इसको जख्म में कीड़ा नहीं होगा। यहाँ पे अगर जख्म आता है सर के ऊपर आता है, हम सेगावान लगाते हैं, कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। शेर ये वाइट शेर है ना? ये वाइट ये है किधर का? ये है साउथ अफ्रीका से। ये साउथ अफ्रीका से है जहाँ से मैं आया हूँ। एक शेर दूसरे शेर के बाद आया, एक शेर दूसरे शेर के बाद बैठ गया, तो बड़े हौसले से बैठ गया माशाल्लाह। शेर को भी देखो, ये भी एक शेर है, देखो इसको, इसको जितना आप ये प्यार मांगता है, प्यार का पूछा। अब देखो प्यार करोगे ये आपके हाथ हाथ पे आ जाएगा, नहीं करोगे तो आपको खा जाएगा, गुस्से में आपसे काबू नहीं होगा। हाँ, अब इंशाल्लाह आपको दिखाया, बड़ा शौक दिखाया आपने, शौक देख लिया, क्या क्या होगा आपने शौक देख लिया, अभी सारा आपको जो शौक दिखा सकते दिखा दिया मैंने, चलो शौक तो पूरा करवाएं आप लोग से इंशाल्लाह। अब आएंगे नए शौक के साथ कल। अस्सलाम वालेकुम।